सर सीरियल किलर के साथ पावर नहीं माइंड गेम खेलना चाहिए। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार और किस तरीके का ट्रेलर है और कैसी होने वाली है इसकी कहानी और क्या अक्षय कुमार इस फिल्म से लोगों के बीच में वापस से अपना वही मुकाम हासिल कर पाएंगे जो अपनी 3 फिल्मों से वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, अक्षय कुमार की ये फिल्म वैसे तो एक रीमेक है, लेकिन अक्षय कुमार ने इसे नए सिरे से और नई जगह पर पूरी तरीके से शूट किया है। कहानी के अंदर बताया जा रहा है कि सेम ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बस इसे थोड़ा सा बॉलीवुड तड़का भी दिया गया है। अब आपको बता दें दोस्तों कि अक्षय कुमार की इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार एक पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे जो कि एक सीरियल किलर की तलाश करता है। ये सीरियल किलर आखिरकार है कौन, ये फिल्म के अंदर ही आपको पता चलेगा क्योंकि ट्रेलर से ऐसा कुछ भी रिवील नहीं हुआ। ट्रेलर की ही बात जहाँ करते हैं हम, तो ट्रेलर पूरी तरीके से अक्षय कुमार के ऊपर सेंट्रिक है। कुछ खास ट्रेलर से बताया नहीं जाता है, सिर्फ एक छोटी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी जाती है, यानी कि ट्रेलर को बनाने और कट लगाने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले। इसके अलावा बात करते हैं कहानी किस तरीके से इसके अंदर जो थोड़ी बड़ी दर्शाई है और टुकड़े हम अगर जोड़ते हैं तो अक्षय कुमार एक पुलिस वाले हैं और वो सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं, सिर्फ आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन बीच में बहुत सारे पहलू हैं कि मेनली वो लड़कियों को ही टारगेट कर रहा है, क्योंकि जितनी बार भी कोई भी अडॉप्ट हुआ है तो उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि वो लड़की ही अडॉप्ट कर रहा है। अब यहाँ पर कठपुतली का इससे क्या कनेक्शन है, ये आपको फिल्म में देखने को मिल जाएगा क्योंकि यही फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस और थ्रिल है। वहीं रत्शासन की फिल्म रीमेक है जिसे विशाल विष्णु ने बनाया था, जो कि मेन लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं विशाल विष्णु उस फिल्म के अंदर। अब इस फिल्म में हमें रकुलप्रीत सिंह और शरगुन मेहता अक्षय कुमार के साथ नज़र आ रही है। दोस्तों ट्रेलर काफ़ी लंबा नहीं है, छोटा सा ही ट्रेलर है। कसौली के अंदर इस ट्रेलर को शूट किया गया है, कसौली की ही ताने बाने पर यह कहानी बुनी गई है। आप जाएँ देखें और बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को, ताकि आप तक पहुँच जाए अपडेट।